रोहतास जिला पदाधिकारी पंकज दीक्षित की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसमें रोहतास जिले के तमाम प्रेस रिपोर्टर्स उपस्थित रहे। सारे प्रेस रिपोर्टर्स ने बारी बारी से कोविड-19 जैसी महामारी के बारे में अपना अपना विचार जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा। जिला पदाधिकारी पंकज दीक्षित ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी में प्रेस रिपोर्टरों का जो योगदान रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। बल्कि उसी डिसीजन में भी शामिल था कि हर पानी के साथ दो मास्क भी हम आपको देंगे, जिनकी कमोबेश कीमत भी वही पे आपके पास आ जाती है। तो उद्देश्य कहीं ये नहीं था कि पानी करना, उद्देश्य ये था कि इसको एक व्यवहार के रूप में अपनाया जाए, एक व्यवहार परिवर्तन हो और लोग मास्क इसलिए पहने कि उनको स्वस्थ रहना है, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि हम सब लोग समाज का ही हिस्सा हैं और उस हिस्से को समाज का हिस्सा है, तो समाज को बेहतर बनाने के लिए सब लोग जो भी विमर्श हो एज ए टीम हो, और उसमें से जो कुछ चीज़ें निकल के आई थी कि समस्याएं कुछ आती हुई नज़र आती हैं, आपको नज़र आती हैं, यदि हम सामान्य समस्याओं को अपनी आत्म समीक्षा करके उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करके और उन्हीं के सुधार में सतत काम करने रहने से ही हम लोगों की स्थितियाँ लगातार इम्प्रूव होंगी। और जैसा कहा गया है, और अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो समय है अभी लोगों को सजग रहने की ही आवश्यकता है, लोगों को जो भी हिदायतें हैं उनको मानने की आवश्यकता है, और जितना बेहतर ढंग से हम लोग इन हिदायतों को फॉलो करेंगे उतना अच्छे से हम चीज़ों को एक्सपूज कर पाएंगे और हमें एक बेहतर स्वस्थ और खुशहाल समाज को अग्रसर होंगे। एग्जाम्पल है कि मैं नॉर्मली आप हमें मास्क नहीं देते थे, मेरे गोपनीय शिक्षक में हुआ, एडीएम को हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ, लेकिन थैंकफुली मैं इस कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब भी जरूरी प्रिकॉशंस मैंने हर समय यूज किया। DDC इज अदर एग्जाम्पल, उनको देखोगे वो डबल मास्क पहनते थे, हर समय लोग मजाक में कहते थे कि आपके पास तो बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशन, भले वो शुरू में थोड़ा कष्टदायक लगता था लेकिन हमने प्रिकॉशन कभी नहीं हुआ। तो यदि आप प्रिकॉशन को फॉलो करोगे तो फिर आपको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित तौर पे बचे रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वरना कई कई जगह पे एक आतंक भी साबित हुआ है, जैसे नॉर्मल केस में कटा नहीं हो तो कई जगह पे डेथ्स वगैरह भी हुई, तो जीवन से ज़्यादा मूल्यवान और कोई चीज़ नहीं होती है। तो जब सबसे मूल्यवान चीज़ को बढ़ाए रखने के लिए हमको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।